लेकिन मैंने ये कह के माजरत की थी कि मुझे उस वक्त किसी भी तकरीब में नहीं जा रहा था, और वजह यही थी, दो इन्होंने बड़ी कोविड की रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए सारी SOPs फॉलो की थी, सिवाय अदीबों के मेजॉरिटी ऑनलाइन पे सारा काम हुआ था। लेकिन शाह साहब, मैं आज दोबारा माजरत करता हूँ पिछले साल ना आने के लिए, लेकिन इस साल आपने जब कहा वो आधे घंटे की, तो वो जो कदगन लगाई गई थी उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये स्टाफ का काम है, आप जब तक मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं मैं बैठूंगा इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ अहमद शाह, फिर मुर्तज़ा, मुझे नहीं पता था कि शेर व शायरी भी जानता है, और फिर सरदार शाह साहब की तकरीर के बाद तो मैं बिल्कुल ही ये देख रहा था कि गली से का रास्ता कहाँ है निकलने का कि मैं निकल जाऊँ, इसलिए कि ज़्यादा शेर व शायरी, अब मैं कभी असेंबली में भी किसी तकरीर में लिख के भी जाता हूँ तो गलत पढ़ देता हूँ, तो मैं दोबारा ये कोशिश नहीं करूँगा ख़ास तौर पर आप सब लोगों के सामने ये करने की। बड़ी बड़ी मुश्किल से याद किए थे हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे मैं सिर्फ थोड़ा सा टच पॉइंट करना चाहूँगा अदब की अहमियत, लिटरेचर की अहमियत, इससे तो कोई भी जो है नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे इस वक्त जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का माहौल है, अभी कुछ दिनों पहले जो वाकया सियालकोट में हुआ था उसको, उसके बारे में पढ़ के अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न और उन सब में जो विजुअल्स देखते हैं, हमें खुद दिल दहल जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं।